हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची की सियासत में एक और भूचाल, पुराने दोस्तों से नई यारी, फारूक सत्तार को पड़ गई भारी। सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी ही राबता कमेटी से नाराज, मनाने के लिए जाने वाले अराकीने राबता कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया। नाराज हो गए और वो हमसे राबता नहीं कर रहे, हमारे फोन नहीं उठा रहे, तो हम यहाँ पहुंचे उनको मनाने के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान मुतवक्के। क्या एमक्यूएम माइनस फारूक सत्तार भी हो सकती है? क्या फारूक सत्तार सियासत छोड़ने का ऐलान करेंगे? क्या किसी और जमात में शामिल होंगे? माहिरीन ने कयास आराइयां शुरू कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का दो टोक ऐलान, अपनी जीती हुई नशिस्तें, नाम निशान और पार्टी परचम कभी नहीं छोड़ेंगे। कमल नवीद कहते हैं एमक्यूएम जैसी कल भी वैसी ही रहेगी। इलेक्शन 2013 में उन सीटों पर किसी से अलायंस नहीं होगा, इसी तरह से इंटैक्ट रहेगी अपने परचम के साथ, इंतखाबी निशान पतंग और अपने मंसूर के साथ। ख्वाजा इजहार ने कहा, जिसे इत्तेहाद करना हो वो हमारे पास आएगा। ना कल पीएसपी खत्म होने का उन्होंने ऐलान किया, ना हमने एमकेएम पाकिस्तान से विड्रॉ होने का ऐलान किया। एमकेएम बड़ी जमात है, दूसरी बड़ी कौमी जमात है, जिसको इत्तेहाद करना वो हमसे आगे करेगा। वो गाना याद आ गया था मुझे, एक पुराना है ना, ये शाह मुत्तहिदा और पीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से परेशान, कहते हैं समझ नहीं आया कौन सी पार्टी खत्म और कौन सी बनी है। एमक्यूएम रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन भी मुतहरिक, साबिक सूबाई वजीर सनत रऊफ सिद्दीकी की पुरानी फाइलें खोल दी। वसीम आफ्ताब की अहलिया को नौकरी देने पर रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। एटीसी ने अनीस कायम खानी को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी का इत्तेहाद, क्या ये इत्तेहाद कराची की सियासत का नया रुख मुतय्यन करेगा? क्या ये इत्तेहाद मुस्तहकम और देरपा साबित हो सकेगा? अवाम का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। इकट्ठा पहले भी थे, अब भी हैं, बस ये लोगों को बता रहे थे। मैं कहता हूँ कराची के हालात वापसी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ थे। एमकेएम वालों ने डिलीवर तो किया है कि इनके पास आवाम का भरोसा भी है, एतमाद भी है, और इंशाल्लाह देखते हैं भी इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा क्या सूरत हाल होती है। उम्मीद है कि ये डिलीवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 1997 के कागजात नामजदगी मंगवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड बेंच के पास नहीं, कहां से ढूंढ कर लाएं? केस को तवालत देना नहीं चाहते, समाप्त मंगल तक मुलतवी कर दी गई। किसी के कहने से अदलिया की शान और इंसाफ में कमी नहीं आएगी, किसी के लिए अपने काम में डंडी क्यों मारे? अदालती तहमुल और बर्दाश्त की दाद दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार के जहांगीर तरीन अहली केस में रिमार्क्स, कहा अदालत के बाहर जो कुछ होता है क्या वो काबिल सताइश है? क्वेटा एक बार फिर धमाके से लरज उठा, एयरपोर्ट रोड पर पुलिस की गाड़ी पर खुदकुश हमला, डीआईजी हमद शकील समेत 3 अहलकार शहीद हो गए। आज न्यूज के कैमरामैन मोहिबुल्ला के भाई भी शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, आहों सिसकियों और नारे तकबीर की गूंज में तदफीन।
अदलिया को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए अपनी चोरी बचाने के लिए, तो ये तो अदलिया बर्दाश्त कर रही है। मेरी तरह का चीफ जस्टिस होता तो अभी तक इनको बड़ी देर से बड़ी पहले जेल में डाला हुआ होता। कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। चीफ जस्टिस होता तो नवाज शरीफ को जेल में डाल देता। इमरान खान चित्राल में मुखालिफीन पर बरस पड़े, एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। कहते हैं NRO हुआ तो सड़कों पर होंगे। कप्तान के साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। सियासी हिकमत अमली खतरनाक करार दे दी। कहा मियां साहब अपनी जात और खानदान के लिए मुल्की सलामती दांव पर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां संभलना मुश्किल होता है। करप्शन के मुल्जिम को VIP ट्रीटमेंट क्यों दी? शर्जिल मेमन के लिए किसकी इजाजत से मेडिकल बोर्ड बनाया गया? एहतसाब अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी सेहत को नोटिस और जेल सुपरिटेंडेंट से 3 रोज में वजाहत तलब। बजट की तफसीलात भी मांग ली। शरीफ खानदान और इसहाक़ डार के खिलाफ रेफरेंसेस। नैब ने निगरान जज को पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। फर्द जुर्म की तफसीलात, वजीर खजाना की अदम हाजिरी और गवाहान की तफसील भी रिपोर्ट का हिस्सा। ड्राइवर इज्तिमा से वापस जाने वाली मुसाफिर भी बस चकवाह में पुल से नीचे जा गिरी। 27 अफराद जां बह, 51 जख्मी। कोहाट में इज्तिमाही नमाज जनाजा। 27 मैयतें उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिस्वे और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर से। फारूक सत्तार अपनी ही राबता कमेटी से नाराज हो चुके हैं और उन्होंने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि कामरान डिसोली ने नाराजी की तस्दीक करते हुए कहा है कि फारूक सत्तार ने मनाने के लिए आने वालों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। उधर MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अहम ऐलान का भी इम्कान है। #पतंग मेरी शनाख्त को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया। और वो हमसे रब्ता नहीं कर रहे, हमारे फोन नहीं उठा रहे, तो हम यहाँ पहुंचे उनको मनाने के लिए, क्योंकि रब्ता कमेटी में भी इंतजार होता रहा और तमाम कराची के, हैदराबाद, हाँ ठीक है बताता हूँ, मीरपुर खास के लोग और खास तौर पे महाजिर आवाम कॉल करता हूँ। आज अफसरदा हो रही है कि जो राबता कमेटी का इजलास था उसकी सरबराही फारूक सत्तार साहब ने नहीं की। क्यों वो नाराज़ हैं और क्यों वो नहीं आ रहे, हम उनसे मिलकर और अभी सारी बात उनसे दरख्वास्त करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मान जाएं। तो मैं, वसीम अख्तर भाई और नसरीन जलील बाजी कोशिश करते हैं कि उनसे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होने का इम्कान है। इस वक्त वकास हमारे साथ मौजूद, हमारे नुमाइंदे उनसे बात करेंगे। वकास, फारूक सत्तार के घर के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के अहम रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तकरीबन तमाम ही सीनियर जो मेम्बरान हैं MQM पाकिस्तान के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि फारूक सत्तार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाराज हैं, दिखाई देते हैं और वो फिलहाल किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर मीडिया भी अब पहुँचना शुरू हो चुका है और जो MQM के कारकुनान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा वकास, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं कि कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान है, लेकिन जैसे कि कामरान डिसोरी कह रहे हैं किसी का फोन नहीं उठा रहे, किसी से मिल नहीं रहे फारूक सत्तार, और वो ट्वीट करके कह चुके हैं कि एक अहम अनाउंसमेंट उनको करनी है, तो जहनों में क्या गर्दिश कर रहा है? क्या करेंगे? खदशात का इजहार करेंगे, ये बताएंगे कि उनके दिल में क्या है, या फिर क्विट भी कर सकते हैं अपनी पार्टी से?
देखिए अब ये कुछ देर के बाद इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि वो क्या ऐलान करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात में बताएंगे। लेकिन लगता है इस तरह से है कि अब से कुछ देर पहले ही, तकरीबन आधे घंटे पहले, भादराबाद में एमकेएम पाकिस्तान की जानेब से एक बात की गई थी मीडिया में, जिसमें बताया गया था कि हम फारूक सत्तार के बिल्कुल साथ हैं और उनको कायद तस्लीम करते हैं। लेकिन बहुत से उनको तहफ़ुज़ात थे इस हवाले से, उनकी बात सामने आई थी। हो सकता है कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कोई ऐसी बात की गई हो जो फारूक सत्तार को ना भाई हो, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए हैं। इसी वजह से वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे और ना ही किसी का फोन रिसीव कर रहे हैं। अब ये तमाम बातें वाजह हो जाएंगी अब से कुछ देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसी से नहीं मिल रहे आप कह रहे हैं, तो ये बताइएगा कि इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, सीनियर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाजा इजहार यहाँ पर आ चुके हैं, नसीम जरीर यहाँ पर मौजूद हैं, कामरान रसूली यहाँ पर मौजूद हैं और भी मजीद यहाँ पर सीनियर रहनुमा यहाँ पर आ चुके हैं। और अब वो लोग भी वेट कर रहे हैं इस बात का कि फारूक सत्तार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फारूक सत्तार के घर के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप अपडेट कर रहे थे वकास खान, बहुत शुक्रिया। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा कवन नवीद जमील का कहना है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ इबहाम पैदा हो गए थे। फारूक सत्तार ने सिर्फ सियासी इतिहाद की बात की थी, सियासी अलायंस तो हर इलेक्शन में होता है, एमक्यूएम जैसी कल थी वैसी ही रहेगी, अपनी जीती हुई सीट किसी को नहीं देंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ इबहाम पैदा हो गए थे, फारूक सत्तार भाई पर मुकम्मल एतमाद और भरोसे का इजहार किया है। हमेशा सियासी इत्तेहाद बनते हैं और वो चलते हैं। एमक्यूएम बतौर एक सियासी जमात के इसी तरह से इंटैक्ट रहेगी, अपने परचम के साथ, इंतखाबी निशान पतंग और अपने मंशूर के साथ। जो हमारी विन की हुई सीटें हैं इलेक्शन 2013 में, उन सीटों पर किसी से अलायंस नहीं होगा, उन सीटों के ऊपर हम अपने पतंग के निशान के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी बता दें कि एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी के कुल अरकान की तादाद 52 है, जिसमें अक्सरियत पीएसपी से इत्तेहाद के हक में नहीं है और पार्टी को कायम रखने पर कायम है। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के पाक सरजमीन पार्टी से इंतखाबी अलायंस के लिए राबते थे, पीएसपी से इत्तेहाद के बजाय सियासी अलायंस के लिए बात हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज दोनों पार्टियों की सीनियर क़यादत ने इत्तेहाद का ऐलान किया। सिर्फ इत्तेहाद भी सीनियर रहनुमाओं को बुरा लगा और शब्बीर कायम खानी, सैयद सरदार अहमद और किश्वर जहरा समेत दीगर इजलास छोड़कर बाहर चले गए। अमीनुल हक तो इजलास में शरीक ही ना हुए। पार्टी के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भी फैसले से नाखुश दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी का ऐलान किया। नाराज अरकान का कहना था कि अगर कोई अलायंस करना चाहता है तो खुद चलकर आए। राबता कमेटी ने मुस्तफा कमाल के इस ऐलान पर एमक्यूएम का नाम कबूल नहीं, दोनों जमातें किसी एक नाम और निशान से इलेक्शन लड़ेंगी, सख्त नाराजगी का इजहार किया था। एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के इत्तेहाद पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से तबसरों और तज्जियों का सिलसिला भी चल निकला है। इमरान खान कहते हैं इस इत्तेहाद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि वजीर आला सिंध बोले कि इस इत्तेहाद पर कंफ्यूजन का शिकार हूँ, तंजीम के नाम पर उन्हें गाना भी याद आ गया। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का इत्तेहाद, क्या नई पार्टी बनेगी, गुत्थी अब तक ना सुलझी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खुद को कंफ्यूजन का शिकार करार दिया। अब वो हैं पार्टियां कि खत्म हो गई मुझे पता नहीं है, मैं बड़ा कंफ्यूज कल भी हुआ था। साथ ही उन्हें पुराने खिलाड़ियों की नई जमात के नाम पर गाना भी याद आ गया। कहना था कि इस इतिहास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कराची में डेवलपमेंट हुई है, उसका हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। दो पार्टीज थी, एक पार्टी थी स्प्लिट हुई, फिर अगर वो साथ होती है तो वो उनका ताल्लुक है, हमारा इशू ही नहीं है ये। इधर शर्जील मेमन ने इसे मसनूई इत्तेहाद करार देते हुए कहा कि ज्यादा देर चलने वाला नहीं। ये दोनों जमातें जो हैं वो इस वक्त, उनका लगता ये है कि इनका मसनूई इत्तेहाद है और मसनूई इत्तेहाद ज्यादा अरसा चलता नजर नहीं आ रहा। कराची की सियासत के बदलते हुए रुख ने जहां आवाम को हैरान कर रखा है, वहीं सियासी बिसात के आजमूदा खिलाड़ी भी नई सूरत हाल पर बज़ाहिर शशोपंज का शिकार हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एमक्यूएम के मरकज 90 से गिरफ्तार कारकुन उबैद केटू को 14 साल कैद की सजा सुना दी। उबैद केटू पर गैर कानूनी असलहा, धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित हो गया है।
अदालत ने मुजरिम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया। पुलिस के मुताबिक मुजरिम की निशानदही पर अफवाह कॉलेज ग्राउंड से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ था। इमरान खान इख्तदार की ख्वाहिश का इजहार तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी नजरें मुनसिफ के मनसब पर भी नजर आती हैं। आज चित्राल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर वो चीफ जस्टिस होते तो नवाज शरीफ जेल में होते, अगर अब कोई एनआर हुआ तो पीटीआई सड़कों पर होगी। जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ हमारी अदलिया के खिलाफ, ये तो अदलिया बर्दाश्त कर रही है इनको कि कोई भी दुनिया में एक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल करता जो ये और ये इनकी बेटी कर रही हैं। इनका तकब्बुर है कि पकड़े गए हैं चोरी करते हुए, झूठ बोलते हुए, जालसाजी करते हुए, अरबों रुपए ये इस मुल्क से बाहर ले जाते हुए इकामा के जरिए, तो ये तो अदलिया बर्दाश्त कर रही है। मेरी तरह का चीफ जस्टिस होता तो अभी तक इनको बड़ी देर से, बड़ी पहले जेल में डाला हुआ होता। अगर किसी किस्म का एनआरओ हुआ, हम सुनते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ को कोई डील हो रही है, कोई एनआरओ की इस तरह की बातें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा करप्शन की है इन्होंने कि मुल्क को इन्होंने खोखला करके रख दिया और मकरूज कर दिया, और अब कोई ये कौम ना मैं कोई पाकिस्तानी अब तीसरा एनआरओ कभी कबूल करेगा ही नहीं। और अब बात करेंगे कप्तान के सीनियर सादी की। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को दयानत दाराना क्यादत मैसर ना आई तो हम गुलाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं उस नस्ल से हूं जिसने पाकिस्तान को दो लख्त होते हुए देखा है। माजी में विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तालीम को मुनासिब बजट नहीं दिया। सिस्टम में इतनी करप्शन है कि आवाम के टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होता। आज अगर पाकिस्तान को एक दयानतदार कयादत मुयसर ना आई, हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, हम फिर गुलाम हो जाएंगे, चाहे वफाकी हो या सूबाई हुकूमतों की हो। तो हमने एजुकेशन को वो एजुकेशन नहीं दी जो दी जानी चाहिए। इतनी करप्शन है कि हम उस पैसे को जो टैक्स पेयर का पैसा है हम सही यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। करप्ट निजाम और करप्ट हुक्मरान से नजात चाहिए, चाहे करप्ट नून लीग में हो, चाहे करप्ट पीपल्स पार्टी में हो, और चाहे करप्ट तरीके इंसाफ में हो, हम उसको मुस्तरद कर दें। अफसोसनाक खबर आपको दें कि कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर पुलिस की गाड़ी पर खुदकुश हमले में डीआईजी हामिद शकील समेत तीन एहलकार शहीद हुए। हमले की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। कोयटा के अमन पर फिर दहशत गर्दों का वार। एयरपोर्ट रोड जोरदार धमाके से लरज उठा। सफाक दहशत गर्दों ने डीआईजी हामिद शकील के काफले को उस वक्त निशाना बनाया जब वो घर से ऑफिस जा रहे थे। खुदकुश हमले के नतीजे में गाड़ी में मौजूद हामिद शकील, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान और ड्राइवर जलील अहमद शहीद हो गए, जबकि तीन पुलिस अहलकार और दो शहरी जख्मी भी हुए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान आज न्यूज के कैमरामैन मुहिबुल्ला के भाई थे। धमाके में निशाना बनने वाले डीआईजी हामिद शकील और दीगर अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई है। दूसरी जानब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, सदर मुमलिकत ममनून हुसैन समेत आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम ने धमाके की मजम्मत की है। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफीर डेविड हिल ने मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानब उर्दन की फिजाइया के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। साबिक वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन को वीआईपी ट्रीटमेंट जेल हुक्काम को महंगी पड़ गई। इजाजत के बगैर मेडिकल बोर्ड बनाने पर एहतसाब अदालत बरहम हो गया। सेक्रेटरी सेहत को नोटिस और जेल सुपरटेंडेंट से तीन रोज में वजाहत तलब कर ली। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन को वीआईपी ट्रीटमेंट जेल हुक्काम को महंगी पड़ गई। इजाजत के बगैर मेडिकल बोर्ड बनाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और जेल सुपरिटेंडेंट से तीन रोज में वजाहत तलब करते हुए सेक्रेटरी सेहत को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि बताया जाए किसकी इजाजत से शर्जील मेमन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया। जेल अस्पताल में डॉक्टर्स, बजट और तिब्बी सहूलियात से मुतालिक तफसीलात भी तलब की है।
अभी आपको बताते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अपने बयान पर मैं कायम हूं। उनका कहना है कि मेरे लिए पीएसपी में इंजमाम या इत्तेहाद काबिले कबूल नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा होने पर मैं कौमी असेंबली से मुस्ताफी होकर उसी नशिस्त पर पीएसपी और मुस्तफा कमाल के खिलाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। एमक्यूएम छोड़ने के बयान पर कायम हूं, यह कहना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी का। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अपने बयान पर कायम हूं, मेरे लिए पीएसपी में इंजमाम या इत्तेहाद काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर मैं कौमी असम्बली से मुस्ताफी होकर इस नशिस्त पर पीएसपी और मुस्तफा कमाल के खिलाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। आपको बता रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि अपने बयान पर मैं कायम हूं, मेरे लिए पीएसपी में इंजमाम या इत्तेहाद काबिल कबूल नहीं है और ऐसा होने पर मैं कौमी